अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर बीते कई दिनों से लगातार राजीव गांधी युवा मित्रों का प्रदर्शन जारी है और ये वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री के बीच अपनी नियुक्ति की गुहार सरकार से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इन अभ्यर्थियों का पिछले 60 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। इन अभ्यर्थियों ने आज पीएम मोदी के नाम अपनी बहाली को लेकर पोस्ट कार्ड लेटर लिखा है। सर, आज ये आपने लेटर लिखा उसके बारे में देखिए, लगातार 60 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और आप देख रहे हो कि राजस्थान सरकार की जुए नहीं रेंग रही है और आज हमने सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम कि वो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, तो हमें बड़ी उम्मीद और आशा है कि युवाओं की ही हम मांग को लेके आज लगभग 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। आज हमारे साथियों ने विचार किया कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को हम चिट्ठी लिखें। पहले भी हम चिट्ठी लिख चुके हैं लेकिन आज फिर हम पोस्ट कार्ड, लगभग हमारे 200 साथियों ने पोस्ट कार्ड लिखे हैं और इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम एक मार्मिक अपील सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाह रहे हैं कि आप इन 5,000 परिवार, ये 5,000 लोग नहीं, 5,000 परिवार हैं, इनके साथ आप ही की डबल इंजन सरकार ने सत्ता में आते ही इनके पेट पर लात मारने का काम किया है। इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि मोदी जी, जहाँ एक तरह आप मन की बात करते हो, हिंदुस्तान के जन जन की बात को समझते हो, आप मन की बात को प्रचारित करते हो और उसी हिंदुस्तान के हिस्सा हम इस युवा साथी हैं। हमारे तमाम 5,000 ये साथी भूखे प्यासे जयपुर शहीद स्मारक पर बैठे हैं और आपसे हम विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे हो, दूसरी तरफ इन 5,000 परिवारों को भी आप नर्क की तरफ धकेलने का काम कर रहे हो, इनको अपराध की ओर भटने की ओर आप अग्रसर कर रहे हो, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति क्या नहीं करेगा। और हम आपको फिर विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि हम अपराध करने की बजाय मौत को गला लगाना स्वीकार करेंगे, लेकिन हम अपराध की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उससे अच्छा होगा कि आप बड़ा दिल दिखा के इन 5,000 युवा मित्रों के परिवार के भरण पोषण की आप जिम्मेदारी लें। आपसे मार्मिक अपील, 200 पोस्ट कार्ड हम आपके द्वार पे भेज रहे हैं दिल्ली। तो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूरे हिंदुस्तान के जन जन को आप पे विश्वास है, उसी आशा उम्मीद के साथ हम 5,000 परिवारों की भी आप जिम्मेदारी लोगे और राजस्थान के आपके जो नुमाइंदे सम्माननीय भजन लाल जी को आप निर्देशित करोगे कि इन 5,000 परिवारों को रोजगार देने का काम करें। सर, कितने पोस्ट कार्ड आप आज प्रधानमंत्री मोदी के नाम भेज रहे हैं? देखिए, 200 पोस्ट कार्ड हमारे साथी लिख चुके हैं और अभी ये लिखने का सिलसिला जारी है, तो 200 से ऊपर पोस्ट कार्ड हम सभी जो बर्खास्त युवा मित्र हैं वो मोदी जी को भेज रहे हैं एक अपील के रूप में कि वो आज 58वां दिन हमारे धरने को है, तकरीबन 2 महीने पूरा हो गया, गांधीवादी तरीके से हम बैठे हुए हैं, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता से पहले पहले वो जरूर इन युवा मित्रों की बहाली का आदेश जारी करेंगे और इनके परिवार में भी खुशियां मनाने का मौका देंगे, क्योंकि अभी कुछ ही समय में आचार संहिता लगने वाली है, चंद दिनों में प्रत्याशी राजस्थान के घोषित किए जा चुके हैं। हम मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो युवा मित्र हैं, ये 5,000 ना समझे, 5,000 परिवार हैं और ये युवा मित्र आपकी जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे उस व्यक्ति तक ले जाएंगे जो पात्र होने के बावजूद जानकारी के अभाव में उस योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। तो आपकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम ये राजीव गांधी युवा मित्र करेंगे और कर रहे थे, जिनसे कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जानकारी जानकर उनका लाभ प्राप्त कर सके वो जरूरतमंद व्यक्ति जो कि पात्रता रखता है। तो हमारी तो यही विनती है इस डबल इंजन सरकार से भी कि इन युवा मित्रों की तुरंत बहाली करे ताकि ये अपने योगदान राष्ट्र के निर्माण में दे सके। देखिए, तमाम राजीव गांधी युवा मित्र यहाँ पर पिछले 60 दिनों से अपनी बहाली की मांग को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। आज इन्होंने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। सर, आज ही आपने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, इसमें आपने अपनी पीड़ा को बताया, इसमें क्या क्या लिखा आप? जी, बिल्कुल, पिछले 2 महीनों से हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, जैसा कि मीडिया कर्मियों को भी पता ही है इस चीज़ का कि किस मांग को लेकर के ये बैठे हुए हैं।
तो हमारी तो एक ही गुजारिश है कि जो हमें जो आपकी डबल इंजन सरकार ने हमें बेरोजगार किया है वो हमें वापस अपने काम पर भेजें और हमें हमारा रोजगार वापस लौटाएं, क्योंकि हम हमारा काम ईमानदारी से करते आ रहे थे और आगे भी हम करेंगे। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हम मतलब काम नहीं कर रहे हैं कि भाई ये संतोषजनक काम नहीं कर रहे हैं तो इनको हम हटा दें। तो यह मतलब एक बड़ी विडंबना की बात है कि हम उस लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां हमारी जो सम्माननीय मोदी जी है वो युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, तो आपकी जो डबल इंजन की सरकार वो तो आते ही हमें बेरोजगार कर दिया है। तो मेरी तो यही की गुजारिश है कि हमें तुरंत प्रभाव से जल्दी बहाल कर दें इन 5,000 युवा मित्रों को और वापस इनको एक होली पर एक खुशी का तोहफा लौटा दें, और बस यही गुजारिश है। 60 दिनों से लगातार आपका शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है अपनी बहाली को लेकर, आज आपने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, पीएम मोदी को आप क्या संदेश देना? मैं अपने भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ये मैं आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो 5,000 युवा मित्र हैं इनकी तरफ देखिए। 2 महीने से ये शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं, ये 2 महीने से आप इन 5,000 लोगों मत देखिए, 5,000 के पीछे इनका पूरा परिवार है जो कि इस दुख की घड़ी में है कि उनका रोजगार छीन लिया गया। हमें किसी भी सरकार या पार्टी का ठप्पा ना लगा करके हम एक रोजगार की तरफ ध्यान दीजिए, जिससे कि इन सभी का लालन पालन हो सके, इनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। और मैं डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इन 5,000 परिवारों की तरफ ध्यान देते हुए इन सबको आप दोबारा अपने बहाली करें। धन्यवाद। देखिए, तमाम राजीव गांधी युवा मित्रों का पिछले 60 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी बहाली की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन जारी है, और आज इन्होंने पीएम मोदी के नाम अभियान पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है जिसमें ये अपनी बहाली की मांग पीएम मोदी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सुनील कुमावत रमाकांत शर्मा के साथ दैनागरी मीडिया।